यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये मेरा शॉर्ट चैनल है जो बिल्कुल मैंने नया स्टार्ट किया था। आप देख सकते हो इस चैनल पे मेरे लगभग 127 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, ठीक है। पर यहाँ पे आप देखो मैंने अभी 16 घंटे पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसपे मुझे काफ़ी अच्छा यहाँ पे व्यूज़ मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो तीनों यहाँ पे ग्रीन में दिखा रहा है और ये वीडियो पे 4600 के समथिंग मुझे अभी तक व्यूज़ मिला है, ठीक है। अब कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। यहाँ पे आप देखो दोस्तों ये जो वीडियो है मेरा अभी यहाँ पे वायरल चल रहा है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे व्यूज़ आ रहा है। एक घंटे के अंदर आप देख सकते हो 1000 से ज़्यादा यहाँ पे व्यूज़ आ रहा है और रियल टाइम व्यूज़ आप यहाँ पर देख सकते हो 4685 व्यूज़ हो चुका है। यानी कि दोस्तों ये वीडियो अभी मेरा चल रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो मैं जैसे इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो एक आध व्यूज़ मेरे यहाँ पे आ रहे हैं। यानी कि भाई ये वीडियो धीरे धीरे चलते चलते 5000 व्यूज़ तक नॉर्मली मेरा पहुँच जाएगा। अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, काफ़ी लोग दोस्तों मुझे कमेंट करते हैं, काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि भाई शॉर्ट वीडियो में हमें टैग कौन सा लगाना चाहिए, कितना वीडियो डेली अपलोड करना चाहिए, शॉर्ट वीडियो हमारा 0 व्यूज़ पर रुक जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। तो आप आज मैं आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो वीडियो को यार लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और भाई चैनल को सब्सक्राइब जोर से कर लेना। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो मेरे जो रियल टाइम व्यूज़ हैं यहाँ पे इतने आ रहे हैं, ठीक है। अब ये जो वीडियो है दोस्तों मेरा ये भी फ्रीज हो चुका था, रुक चुका था, लेकिन बाद में यहाँ पे वीडियो चलना स्टार्ट हुआ है। मैं आपको एक और वीडियो यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप देखो ये जो वीडियो है मेरा, ठीक है, इस वीडियो में मैंने सिर्फ यहाँ पे टाइटल लगा रखा है। भाई काफ़ी लोग बोलते हैं कि हैशटैग कौन सी यूज़ करने हैं, टैग वगैरह क्या लगाने, शॉर्ट वीडियो में टैग लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हो ये 4 सेकंड का वीडियो है मेरा, इसमें मैंने केवल यहाँ पर टाइटल लगा रखा है, टाइटल में कुछ हैशटैग यूज़ कर रखे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन मैंने खाली रखा हुआ है, कुछ भी यहाँ पर नहीं लिखा है डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर टैग वगैरह भी आप देख सकते हो, भाई टैग भी मैंने बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं लगा रखा है, उसके बाद भी ये वीडियो मेरा काफ़ी अच्छा चल रहा है। और ऐसा एक नहीं बहुत सारा वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हो, कैटेगरी मैंने एंटरटेनमेंट यहाँ पर रख रखी है और कमेंट आप डिसेबल कर सकते हैं, इससे आपके जो लाइक वगैरह है वो भी हाइड हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो जो मेरा रियल टाइम व्यूज़ मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे इस चैनल के जो रियल टाइम व्यूज़ है मेरे यहाँ पे 14000 से ज़्यादा व्यूज़ आ रहा है और आप देख सकते हो मेरे जो वीडियो पे 5000 व्यूज़ नॉर्मली यहाँ पे आ रहा है, जो कि विदाउट मैंने जो है डिस्क्रिप्शन और विदाउट टैग के मैं यूज़ कर रहा हूँ। यानी कि सिर्फ टाइटल लगा के मैं अपनी शॉर्ट वीडियोज़ को यहाँ पे वायरल कर रहा हूँ। एक बहुत ही अच्छा ट्रिक मुझे यहाँ पे मिला है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस वीडियो पे 5000 से ज़्यादा मुझे व्यूज़ मिला है। लेकिन दोस्तों ये वीडियो मेरा 700-800 व्यूज़ पर रुक चुका था, उसके बाद दोबारा से ये वीडियो मेरा चलना स्टार्ट हुआ। आप यहाँ पे लाइव प्रूफ देख सकते हो कि ये जो वीडियो मैंने अपलोड किया था, मैंने 7 जुलाई को वीडियो डाला था तो कुछ घंटे यहाँ पे व्यूज़ नहीं आया, उसके बाद जब व्यूज़ आया तो ये 700 व्यूज़ पे मेरा वीडियो रुक चुका था, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो 8 जुलाई को वीडियो मेरा दोबारा से चलना स्टार्ट हुआ और 5100 व्यूज़ यहाँ पे इस पर आया हुआ है। यानी कि दोस्तों हमारा जो शॉर्ट वीडियो है वो बाद में भी चलता है, ठीक है। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ आप लोगों को क्या ट्रिक फॉलो करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो मेरा रीच वाला ऑप्शन है यहाँ पर दिखा रहा है और रियल टाइम व्यूज़ वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। दोस्तों मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ आपको भाई, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है बताने में। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखो ये जो वीडियो है मेरा, इस पर मेरे अभी व्यूज़ अपडेट नहीं हुए, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो 4700 समथिंग यहाँ पे व्यूज़ हो चुका है। ये वही वीडियो है दोस्तों जिसमें मैंने सिर्फ टाइटल लगा रखा है, ना तो मैंने इसमें डिस्क्रिप्शन लिख रखा है, ना मैंने टैग लगा रखा है। इसके अलावा एक और वीडियो आपको दिखाता हूँ, इस वीडियो पे भी 5000 मुझे व्यूज़ मिला है। इस वीडियो में भी सिर्फ मैंने टाइटल लगा रखा है, ना तो मैंने इस वीडियो में कोई डिस्क्रिप्शन लगा रखा है, ना टैग लगा रखा है। उसके बाद भी ये वीडियो मेरा काफ़ी अच्छा चला है और बाद में भी चला है, ठीक है। यानी कि रुकने के बाद दोबारा से ये वीडियो मेरा चला है, आप यहाँ पर देख सकते हो, इसमें मैंने टैग भी नहीं लगा रखा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कैटेगरी एंटरटेनमेंट रख रखी है और यहाँ पे कमेंट को डिसेबल कर रखा है और लाइक वगैरह मैंने हाइड कर रखे है, इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। लोग देख रहे होंगे कि मैं अपनी वीडियो में सिर्फ टाइटल लगा रहा हूँ, उसके बाद भी मेरे 5000 तक व्यूज़ आ रहे हैं, तो भाई ऐसा कैसे हो रहा है? तो मैं आपको एक ट्रिक यहाँ पर बताता हूँ जो मैंने फॉलो किया है। ट्रिक दोस्तों सिंपल सा है कि मैंने इस चैनल पर जब मतलब स्टार्ट किया था तो मैं डेली यहाँ पे 2 से 3 वीडियो अपलोड करता था। अभी भी यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पर डे यहाँ पे हर 2 दिन के बाद 5000 व्यूज़ किसी वीडियो पे आ रहा है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो इस वीडियो को मैंने 5 दिन पहले अपलोड किया था, इस पर 5000 व्यूज़ मुझे गया। उसके बाद 3 दिन पहले अपलोड किया था, उस पर 5000 व्यूज़ गया। उसके बाद 1 दिन पहले अपलोड किया था, इस पर भी 5000 व्यूज़ गया। आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी अच्छा मुझे व्यूज़ मिल रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों डेली मैं पर डे यहाँ पे 2 से 3 शॉर्ट वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ, तो काफ़ी लोग मुझे कमेंट करते हैं कि भाई पर डे हमें कितना वीडियो डालना चाहिए। जो नए नए क्रिएटर है जिन्होंने नया चैनल बनाया उनको पता नहीं है, तो मैं आपको बता दूं भाई पर डे अगर आप 2 से 3 शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हो तो आपको ज़्यादा फायदा यहाँ पे मिलता है, क्योंकि आप लोग अगर 3 वीडियो डालोगे तो उनमें से हो सकता है 2 वीडियो आपका फ्रीज हो जाए, 2 वीडियो 10-15 व्यूज़ पर रुक जाए, लेकिन कोई एक वीडियो आपका 1000-2000 व्यूज़ तक पहुँचेगा। आप डेली ज़्यादा वीडियोस अपलोड करोगे, 2 से 3 वीडियो डालोगे, तो आपको जो है खुद एक्सपीरियंस होता रहेगा कि आपका जो वीडियो है वो किस तरीके से चल रहा है, कि कौन सा वीडियो आपका शॉर्ट फीड में जा रहा है, क्या आपको करना है यहाँ पे। और डिस्क्रिप्शन टाइटल टैग वगैरह आप लगा सकते हो, अगर नहीं भी लगाओगे तब भी आपका वीडियो चल जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे सिर्फ मैं टाइटल लगा रहा हूँ, उसके बाद भी मेरी वीडियो पर 5000 तक व्यूज़ आ रहा है, तो इसके पीछे रीज़न ये है दोस्तों कि मैंने चैनल पर डेली काम किया है, तो डेली मैं अपलोड कर रहा हूँ वीडियो और पर डे 2 से 3 शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो इससे दोस्तों क्या हुआ कि जो मेरा वीडियो है जिसपे 1000-2000 नॉर्मली यहाँ पे व्यूज़ आ रहा है,
तो यानी कि ये जो मेरा चैनल है, इस पे जो मेरी ऑडियंस है, ये जो चैनल है मेरा, अब ये वीडियोस को शॉर्ट फीड में भेजना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। अब मैं सिर्फ यहाँ पे टाइटल लगा के भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो भी मेरा वीडियो शॉर्ट फीड में जा रहा है और मुझे अच्छा खासा यहाँ पे व्यूज़ मिल रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो भाई, टाइटल में भी मैंने सिर्फ क्यूट बेबी नहीं लिख रखा है, टाइटल में मैंने कुछ हैशटैग यहाँ पे यूज़ कर रखे हैं जो कि आप देख सकते हो। आप अपने वीडियो के टाइटल में लगा सकते हो कुछ हैशटैग, जैसे हैशटैग शॉर्ट्स हो गया, हैशटैग रील्स, हैशटैग ट्रेंडिंग, यूट्यूब शॉर्ट्स, इस तरीके से जो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आप लोग अपने शॉर्ट्स चैनल पर अगर रेगुलर काम करते हो, रेगुलर वीडियोस अपलोड करोगे, तो भाई सिर्फ टाइटल लगा के भी आप वीडियो डालोगे तो भी आपका वीडियो चलना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे ये वीडियोस भी मेरा इसी वजह से चल रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे रेगुलर डेली 2 से 3 वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, रेगुलर यहाँ पे काम कर रहा हूँ। और जो आपके चैनल पे 1000-2000 व्यूज आते हैं भाई, आप टेंशन मत करो, 1000-2000 व्यूज जो आपके आ रहे हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा टाइटल वगैरह में फोकस करना है, ठीक है। कुछ हैशटैग वगैरह ज्यादा यूज करने से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शॉर्ट वीडियो से रिलेटेड अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वहाँ पे पूछ सकते हो, मुझे मेंशन कर सकते हो। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।